दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 9 आप नेताओं को बरी कर दिया है। वहीं 2 आप विधायकों को अमानतुल्लाह खान और प्रकाश अग्रवाल के खिलाफ आरोप तय हुए। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी सांसद सुशील गुप्ता। सुशील जी, अंशु प्रकाश ने आरोप गंभीर लगाए थे मारपीट सीएम आवास के अंदर ही, लेकिन अदालत ने सीएम और डिप्टी सीएम समेत 9 लोगों को तो आरोप मुक्त कर दिया है। हमने उस समय भी कहा था कि सत्य हमेशा जीतता है और भारतीय जो न्याय प्रणाली है उसके ऊपर आम आदमी पार्टी हमेशा पूरा विश्वास रखती है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से अफसरों को बहका के जो मर्जी केस बनवाए जाए, परंतु कभी भी सत्य हारता नहीं है और उसकी जीत होती है। और ये आज ये बात सिद्ध हुई है कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के जनता का काम कराने के लिए हर क्षेत्र पर भरसक प्रयत्न करेंगे। अगर जो अफसर काम नहीं करना चाहते हैं तो वो झूठे आरोप लगा के सरकार के कामों को रोक नहीं सकते। लेकिन अंशु प्रकाश ने जो आरोप लगाए थे उन्होंने तो ये कहा था कि आधी रात में जो है खुद सीएम ने अपने घर पे बुलाया, वहाँ पर उनके साथ मारपीट की गई है। लेकिन यहाँ पर हमको ये भी गौर करना होगा कि मुख्यमंत्री को भले ही आरोप मुक्त किया गया हो, लेकिन अमानतुल्लाह खान के ऊपर भी वही आरोप थे कि वो भी उस बैठक में मौजूद थे और प्रकाश अग्रवाल वो भी उस बैठक में मौजूद थे और उनके खिलाफ आरोप तय हुए हैं। यानी कि अंशु प्रकाश के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद तो नहीं थे, वो भी छूट जाएंगे। देखो, अंशु प्रकाश जी ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया, उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया, दर्जनों विधायकों पर आरोप लगाया। जब दर्जनों कोर्ट ने ब्री किए हैं तो वो भी बरी होंगे। आप इस बात से निश्चिंत रहें, सच्चाई की हमेशा जीत हो। तो आप अभी ये कह रहे हैं कि जो अंशु प्रकाश जो मुख्य सचिव है उन्होंने जो आरोप लगाए थे वो पूरी तरह से 100% झूठे आरोप थे, 100% राजनीति से प्रेरित आरोप थे, 100% गृह मंत्रालय से मिली भगत करके आरोप लगाए गए। मतलब मिली भगत करके आरोप लगाए गए? बिल्कुल 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 बिल्कुल, दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए आरोप लगाए गए। यानी साफ तौर पर आम आदमी पार्टी सांसद सुशील गुप्ता का कहना है कि दिल्ली सरकार को एक तरह से उनके ऊपर जो है आरोप लगाने के लिए या सिर्फ जो है उनको बदनाम करने के लिए आरोप लगाए गए थे और आज कोर्ट के इस आदेश से जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत उप मुख्यमंत्री को आरोप मुक्त किया गया है, अब सच सामने आ गया है। अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज़ दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।